ऑलराइट गाइस, तो दोस्तों अगर आप अपने स्मार्टफोन को रिसेट मारना चाहते हैं तो रिसेट मारने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको रिसेट मारते वक्त ध्यान में रखनी है, तो वो चीजें भी बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्मार्टफोन को रिसेट मारने से पहले आप अपने जो कॉन्टैक्ट को, अपने जो फोटो को, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, इन सारी चीजों को पहले बैकअप करनी है, ठीक है। तो आप इसको बैकअप कर सकते हैं अपने गूगल ड्राइव में, जो भी जीमेल आईडी उसके अंदर आप गूगल ड्राइव के अंदर कर सकते हो। तो ये पहले आपको डेटा बैकअप करने के बाद, और तीसरी बात ये है कि अगर आपके स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा हुआ है तो आप उसको ज़रूर निकाल लीजिएगा, वरना जो जो चीज़ें स्मार्टफोन में लगे रहेगी रिसेट मारते वक्त, यानी फॉर्मेट मारते वक्त, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, यानी अगर आपके मेमोरी कार्ड लगा हुआ तो उसको भी आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। देखो अब ऐसा आ गया कि रिसेट मारते वक्त, अब स्मार्टफोन में कुछ तरीके ऐसे आ गए कि आप टुकड़ों में भी आप मार सकते हो रिसेट। सबसे पहले तो आप अपने स्मार्टफोन को कैसे रिसेट मारना, कहाँ उस सेटिंग में पहुँचना, वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। ये चीज़ आप हर एक स्मार्टफोन में स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। ये जो तरीके से मैं बताऊँगा वो सैमसंग स्मार्टफोन है, बट देखो चीज़ें तरीके अलग है, आगे पीछे होती है, बट नाम एक ही होता है जिसको कहते हैं रिसेट या फॉर्मेट, अकाउंट, डेटा बैकअप। ये चीज़ें हर एक सेटिंग में, हर एक ब्रांड के स्मार्टफोन में एक ही नाम लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपको नाम मिले तो आप ऊपर सर्च भी कर लीजिएगा, बट कैसे क्या करना है, पहले आपको गूगल एंड बैकअप में जाना है। गूगल एंड बैकअप में जाने के बाद जैसे आप गूगल एंड बैकअप में जाएंगे तो वहाँ पर चीज़ें आ जाएगा कि आपको अपने जो डेटा को बैकअप करनी है या नहीं, जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया। फिर उसके बाद नीचे रिसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको रिसेट पे क्लिक करनी है। जैसे आप रिसेट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर अलग से कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, कुछ तीन और आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई देगा। एक होगा कि आप अपने जो नेटवर्क को उसको सिर्फ रिसेट मारना चाहते हैं, या फिर पूरे सेटिंग को रिसेट मारना चाहते हैं, या फिर जो आपके स्मार्टफोन के एक्सेसिबिलिटी है उसको रिसेट मारना चाहते हैं। ये देख सकते हैं टुकड़ों में भी है कि आप नहीं मुझे नेटवर्क को मारना है, ठीक है मैं नेटवर्क को मार देता हूँ। नेटवर्क में वही मोबाइल डेटा, वाईफाई, आपने अगर कुछ उस सेटिंग में छेड़खानी करी हो तो जैसे आप इसको रिसेट मार देंगे तो आपके स्मार्टफोन में जैसे डिफॉल्ट सेट होकर आया था आपके हाथ में वैसे हो जाएगा। तो अब ये जो तीनों है आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि नहीं मेरे स्मार्टफोन को पूरा नहीं फॉर्मेट मारनी है, बट कुछ सेटिंग्स को मुझे रिसेट करना, कुछ दोबारा डिफॉल्ट जैसे पहले आया था उसको वैसे करनी है, तो आप ये इन तीनों ऑप्शन की तरफ देख सकते हैं। बट अगर आपको उन तीनों जो सेटिंग मैंने बताया वो नहीं करना है, यानी कि पूरे स्मार्टफोन ही आपको फॉर्मेट मारनी है, तो नीचे वाले जो ऑप्शन है फैक्टर डेटा रिसेट, क्या बोला तूने, डेटा सेट वाले, आपको उस पर क्लिक कर देना है। एंड उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको हर एक चीज़ दिखाई देगा कि आपके जीमेल आईडी, यहाँ पर आपने किससे लॉग इन किया था, कौन कौन सा एप्लीकेशन है, ये सारी चीज़ें आपको डिलीट हो जाएंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। जो वहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिसेट, आपको उस पर क्लिक करनी है। एंड रिसेट पर क्लिक करेंगे, डिलीट ऑल पर क्लिक कर देनी है। जैसे आप डिलीट ऑल पर क्लिक करेंगे आपके स्मार्टफोन स्विच ऑफ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक सारे जो भी डेटा को इरेज करना शुरू कर देगा। तो ऐसे तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को रिसेट कर सकते हो, टुकड़ों में कर सकते हो, पूरे स्मार्टफोन को रिसेट कर सकते हो। तो यही तरीका था आप जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।